क्वेश्चन है, व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। फुटबॉल गेम में हम कॉइन टॉस करते हैं, या तो क्रिकेट में हम कॉइन टॉस करते हैं, ओके, किसको बैटिंग चाहिए और किसको बॉलिंग चाहिए, राइट। तो सिमिलर वे फुटबॉल गेम में हम कॉइन टॉस करते हैं। सो क्वेश्चन पूछा है, व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग। व्हाई इट इज कंसीडर्ड टू बी अ फेयर वे, क्यों हम इसको फेयर वे कंसिडर करेंगे? क्योंकि जब हम कॉइन टॉस करेंगे, ओके, सो आउटपुट जो आएगा, आइदर इट विल बी हेड और इट विल बी टेल। सो गेटिंग द हेड और गेटिंग द टेल, इसका मतलब उसको क्या है, दैट इज द लाइकली आउटकम, इक्वली लाइकली आउटकम। गेटिंग द हेड और गेटिंग द टेल, दैट इज इक्वली लाइकली आउटकम। सो एज इट हैज इक्वली लाइकली आउटकम, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे, ओके। और व्हेन यू विल टॉस द कॉइन फॉर दैट एक्सपेरिमेंट, इंडिविजुअली इट इज ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल एंड इट इज अनबायस, ओके। जब भी हम कॉइन टॉस करते हैं, व्हेन अ कॉइन इज टॉस, व्हेन अ कॉइन इज टॉस, ओके, इट इज ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल, इट इज ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल। मतलब अगर आप एक कॉइन टॉस करते हो तो आप गेस नहीं कर सकते हो कि आपको क्या मिलेगा, राइट। फर्स्ट टाइम आप कॉइन टॉस कर रहे हो तो आपको हेड मिल रहा है, सेकेंड टाइम टॉस कर रहे हो तो आपको टेल मिल रहा है, दैट मीन्स इट इज कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल एंड अनबायस, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फेयर वे, ओके। फर्स्ट रीजन क्या है, इट हैज इक्वली लाइकली आउटकम, हेड मिलने के चांसेस और टेल मिलने के चांसेस, दैट इज इक्वली लाइकली आउटकम है उसका। एंड सेकेंड, व्हेन यू टॉस द कॉइन, इट इज ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल, उसका जो रिजल्ट रहता है, उसका जो आउटकम आने वाला है, इट इज ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल एंड इट इज ऑलवेज अनबायस, दैट्स वाई इट इज कंसिडर्ड एज अ फेयर वे फॉर डिसाइडिंग।